पिछले चुनाव के पहले हम एक योजना लाए थे, न्याय योजना, जिसमें हमने कहा था हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, हर परिवार के बैंक अकाउंट में हम कम से कम, सरकार कम से कम पैसा डालेगी, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालेगी। तो अगर हम किसानों की रक्षा नहीं करेंगे, अगर हम किसानों की रक्षा नहीं करेंगे, चाहे वो एमएसपी की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, सही दाम दिलाने की बात हो, अगर किसान को ये नहीं लगेगा कि देश की सरकार हमारी रक्षा कर रही है, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और आज सच्चाई है कि जो किसान के दिल में जो डर है, उसको सरकार मिटा नहीं पा रही, और किसान ने सरकार पे पूरा का पूरा भरोसा खो दिया है। मगर मैं आपको यहां ये कहने आया हूं कि हमारी कोशिश रहेगी कि जो आप भरोसा खोए हैं, वो एक बार फिर आप हमारी सरकार पर भरोसा करें। और हमने देखिए, मैं खोखले शब्द नहीं बोल रहा हूं, मैं खोखले शब्द नहीं बोल रहा हूं, 72,000 करोड़ रुपए किसान का हमने कर्जा माफ किया था, याद रखिए आप, सही। जमीन अधिकरण बिल हम लाए थे, छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी, राजस्थान में हमारी सरकार थी, हम किसानों को सही दाम देते थे। तो हमने काम करके दिखाया है और आने वाले समय में भी हम काम करके दिखाएंगे। ये जो आपने सवाल उठाया है, मैं इसके बारे में पार्लियामेंट में बोलूंगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम कानून को यहां लागू कर देंगे। धन्यवाद।